ये अम्मा जी बहुत दुखी हो रही है। भाई साहब देखो ये बच्चे बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। इनकी जमुना बाजरा ले गई। देखो ये बहुत सारी जमुना वो भैंसे चल रही है टापू पे आके इनका बाजरा सारी जमुना ले गई। बेचारे बहुत दुखी है। अम्मा के इन अम्मा के 30 बोरा गेहूं के बेच चुके हैं और घुस हो गया है। दो पुरी चली गई अम्मा के खेत में। अम्मा के खेत का बाजरा सारी जमुना ले गई। देखिए ये भाई साहब लोग कैसे भैंसे पोछ चरा रहे हैं बेचारे बहुत गरीब। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं अपने गांव में फिर से यमुना जी देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए ये सोता है हमारा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आए थे तो यहाँ तक यमुना भरी थी और दोस्तों अभी यमुना हट गई है। यहाँ से देख सकते हैं पूरी तरह से यमुना हट चुकी है और अभी मैं बड़ी धार पर आपको दिखाता हूँ जाकर इंजॉय करते हुए। देख सकते हैं दोस्तों सभी लोग यमुना पार कर रहे हैं और नहाते हुए मस्ती ले रहे हैं। दोस्तों ये भैंसियाँ चरा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये अभी छोटी यमुना हो गई है, छोटी यमुना देख सकते हैं। ये सभी लोग भैंसे चराने के लिए जा रहे हैं उस पार। तो दोस्तों अभी हम भी जाएंगे, देखते हैं अब हम भी जाते हैं उस पार, देखते हैं दोस्तों कहूँ रपट ना जाए। तो दोस्तों देखिए आज हम गांव के माहौल से आगे जा रहे हैं। और दोस्तों क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं? नहा रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम यमुना जी पार कर रहे हैं अभी, देख सकते हैं दोस्तों हाथ में चप्पल ले लिए हमने। अभी हम यमुना जी पार करने जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं दोस्तों चप्पल हाथ में लेकर अभी हम यमुना पार कर रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चों के साथ एंजॉय लेते हुए गांव में। तो भाई लोग देख सकते हैं सारे पकड़ ग्राम मंदी है। मैं भरी देख वो आगे पीछे जाना। तो गाइस अब हम जाएंगे दोस्तों उस पार बड़ी यमुना जी को। यमुना जी पार कर दी है दोस्तों, अभी देख सकते हैं अभी दोस्तों सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और यमुना जी में थोड़ा पानी रह गया है। तो अभी हम बड़ी यमुना जी को देखने के लिए जाएंगे एंजॉय करते हुए, यमुना जी के पानी में एंजॉय करते हुए। हाय कर, हाय कर। तो गाइस देख सकते हैं सभी लोग किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर छिड़ियाँ चरा रहे हैं और दोस्तों पूरे टापू पर देख सकते हैं भैंसे और छिड़ियाँ हैं। और दोस्तों यहाँ पूरा बंजर कर दिया है यमुना जी ने टापू। तो सभी लोग यहीं पर भैंसे चराने के लिए आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों खेती बंजर हो चुकी है, यहाँ की सभी खेती बंजर हो चुकी है। तो दोस्तों सभी लोग भैंसे चराने के लिए आना पड़ रहा है यहाँ पर दिवाली यमुना जी को। बड़ी यमुना पर जा रहे हैं गाइस, बड़ी यमुना जी देखने के लिए जा रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों अपने खेत को दिखाएंगे दोस्तों वहाँ पर कितना दोस्तों बड़ी यमुना जी दिखाएंगे। इस पर पूरे पर यमुना जी आ चुकी थी दोस्तों, आज हम घूम रहे हैं इस पर। यहाँ से यमुना जी हट चुकी है और दोस्तों ये पीछे बड़ी यमुना जी है और दोस्तों ये हमारे पेड़ भी मेड़ पे कट चुके हैं, देख सकते हैं सभी पेड़ टूट चुके हैं, मेड़ कट गई है। तो दोस्तों हम यमुना जी देखने के लिए आ चुके हैं आज। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी यमुना जी यहाँ से दिखाई दे रही है और दोस्तों ने देख लिया होगा ये हमारे दोस्तों यमुना जी की बड़ी धार है। दोस्तों ये हमारा खेत है, ये हमारे खेत के सामने ही है और दोस्तों बहुत यमुना जी के यहाँ से लंबी आपको धार दिख रही होगी। दोस्तों ये हमारे खेत की मेड़ कट चुकी है तो यहाँ पर करैया लगवाई जाएगी खेती एक सा करने के लिए। बड़ी धार है
और दोस्तों आज हम यमुना जी देखने के लिए आए थे अपने गांव में, तो इसके बाद दोस्तों अभी हम दूसरे खेत पर जाएंगे अपने पर। सो गाइस अभी हम बड़ी यमुना देखकर दोस्तों और अपने खेत को देखकर अभी हम जा रहे हैं दोस्तों दूसरे वाले खेत पर, वहां पर देखते हैं कितना पानी है अभी, और दोस्तों वहां से देखेंगे उसमें रेत है या दोस्तों। देखो ये अम्मा जी बहुत दुखी है, अम्मा जी तुम्हारे बाजरों को जमना ले गई है। ये अम्मा जी बहुत दुखी हो रही है, भाई साहब देखो ये बच्चे बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं, इनकी जमुना बाजरा ले गई। देखो ये बहुत सारी जमुना वो भैंसा चल रही है टापू पे आके, इनका बाजरा सारी जमुना ले गई, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। आपके पास आदमी टापू पे आ चुके हैं, इनका बुस भी बेचारे का नहीं रहा है, जमुना बुस हो गया, जमुना में नाज भी बह गया, कुर्री भी बह गई, इन अम्मा के 30 बोरा गेहूं के बह चुके हैं और बुस हो गया है, दो कुर्री चली गई, अब अम्मा के खेतों में पैसे डाली है। अम्मा के खेत में अम्मा के खेत का बाजरा सारी जमुना ले गई। देखिए ये भाई साहब लोग कैसे भैंसे पोछ चरा रहे बेचारे। ये यमुना निकल चुकी है और देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, और दोस्तों इसमें रेत था वहाँ पर पनाह हो गया है, और दोस्तों अब खेत अच्छा हो गया है देख सकते हैं। तो दोस्तों सभी लोग यमुना देखने यमुना जी देखने के लिए आ चुके, वो बंजर ही बंजर है दोस्तों, ये पार्क बन चुका है देख, तो दोस्तों देख सकते हैं ये पार्क हो गया है, सबरे पार्क फैल हो गए इसके कारण, ये बहुत बड़ा पार्क बन चुका है टापू, देख सकते हैं कितना बड़ा पार्क है। हम आगे जा रहे हैं घूमने के लिए, और दोस्तों देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी घास है, इसमें पार्क बन गया है दोस्तों बहुत बड़ा पार्क यमुना जी के कारण। सब में दोस्तों भैंसियाँ चल रही हैं पूरे गांव की, तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम घास लेकर जा रहे हैं घर के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों हम घास लेके आए भैंसों के लिए, यहाँ पर बस खत्म हो गया है और बाजरा जमुना ले गई एक गरीब हो। हाँ बता बता कैसे कैसे देखो यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, बेचारे भैंसे पुए भूखे हैं इसलिए ये टापू में चरने आए, यहाँ पे होंगी 2000 को भैंस कम से कम 2000 से ऊपर भैंसे होंगी, बेचारे बहुत गरीब हो चुके हैं, इनका बाजरा 2000 बंदे 4000 आए भैंस और इनका बाजरा जमना ले चुके। देखो भाई साहब इस टापू में जमना बहुत करीब घूमके चली गई है, अरी माई है वो बेचारी देखो, ए मैंने करके ले रहे।